एटीएम मशीन चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने आधी रात में गश्त करते हुए पकड़ा। यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद रात के अंधेरे में गैस कटर से एटीएम मशीन को काटने की कोशिश करने वाले एक चोर को मुंबई की कांदिवली पूर्व समता नगर पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मुंबई के मुलुंड इलाके में इसी तरह के एटीएम चोरी मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाओं के कारण मुंबई में विभिन्न स्थानों से गैस सिलेंडर की बिक्री में तेजी हुई है। वर्तमान में समता नगर पुलिस थाने की तलाशी टीम ने विजय रास्कर और उनकी टीम ने एटीएम गैस कटर मशीन को काटते हुए मौके पर गश्त करते हुए एक बदमाश चोर को किया गिरफ्तार, जिसके साथ गैस कटर सिलेंडर और सामान जब्त किया गया है। काल रात्री पहाटे 4:15 वाजले सुमारास आमचे एपीआय रास्कर आणि त्यांची टीम कांबळे सावंत सूर्यवंशी हे साईस्टार या ठिकाणी गस्त करीत असताना त्यांना एक एटीएम इंडिकॅश एटीएम च्या ठिकाणी काहीतरी आवाज आल्याचा त्यांना दिसून आला। त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांनी जाऊन पाहिलं असता तर एक किसम हा गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन कापत असल्याचं दिसले, परंतु ते एटीएम मशीनच्या आतमध्ये जायच्या अगोदरच तो बाहेर पडून जायचा प्रयत्न करू लागला। म्हणून आमचा पोलीस कॉन्स्टेबल कांबळे आणि आमची टीम एपीआय रास्करण टीम त्यांनी पाठलाग करून त्याला पकडल्यानंतर त्याच्याकडे चौकशी केली तर त्याच्याकडे गॅस सिलेंडर गॅस कटर आणि अशा वस्तू मिळून आल्या जेणेकरून ती एटीएम मशीन कापण्यात त्याला यश लागले। त्या अनुषंगाने त्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्यांनी सांगितलेलं आहे की यूट्यूबवर एटीएम मशीन कशी कापायची कशी तोडायची त्या अनुषंगाने त्याने गॅस कटर गॅस सिलेंडर ह्या सर्व वस्तू मुंबईच्या एका दुकानातून वगैरे खरेदी केलेले आहे। त्या अनुषंगाने सदरची हद्द ही समता नगरची नसून कस्तुरबा मार्ग पोलिसांची असल्या अनुषंगाने 00 खाली गुन्हा दाखल करून कलम 436 380 जीवनावश्यक वस्तू कलम 7 अशाप्रमाणे त्याला कलम लावून तपास कस्तुरबा पोलीस स्टेशनला